सो हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद है आप होस्ट और दूसरे बिला का स्वागत करता हूँ फार्मिंग सिमुलेटर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। दो दिन से वीडियो नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लाइट का थोड़ा इशू हो गया था। अगर आप लोग डिस्कॉर्ड पे हो तो आप जानते हो मैं यूजुअली जो न्यूज़ रहती है लेटेस्ट न्यूज़ वो डिस्कॉर्ड पे डालता रहता हूँ। पहला अपना काम होने वाला है भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं इनको जो कि चिकन्स। एंड मेरे यहाँ पर थोड़े से प्लान्स हैं, लाइक एक मॉड मैंने कुछ इस तरह का इंस्टॉल किया जिसमें अपन चिकन के चिक्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल एंड ऑल्सो डकलिंग्स। वेल अभी ये कुछ करती तो नहीं है, बट हम लोग ले सकते हैं। एंड इनका जो परचेस प्राइस है वो $1 है लिटरली, एंड जो फीस है वो भी $1 है। इनको फीड करना होगा तो उसके लिए मैंने एक मॉड इंस्टॉल कर रखा है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ डील लेके, जो कि $1000 में अपन को 5000 लीटर वीट मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी डील है। लाइक 5000 लीटर इज़ नॉट अ बैड क्वान्टिटी, बट इसको ले जाने के लिए अपन को नाटक करना पड़ेगा, लाइक अलग से ये मंगाओ एंड ट्रेलर वगैरह लो। वैसे ट्रेलर हमें लेना ही है एनीवेज, तो मैं सोच रहा हूँ ले ही लूँ इसको। सो एक काम करते इसको ले ही लेते हैं, ठीक है, $1000 का कोई इतना इशू नहीं है। एंड अपन को चाहिए पड़ेगा एक ट्रेलर एनीवेज, चाहिए ही पड़ेगा। सो आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यप, मैंने एक मॉड ये भी इंस्टॉल कर रखा है जो कि अपने फार्म को सूट करेगा। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ले लेते हैं। 4800 का बढ़ रहा है अपन को ये, जो कि थोड़ा महंगा है, बट दैट्स फाइन। मैंने वैसे अभी यूज्ड शॉप में नहीं देखा, बट ठीक है ले लेते हैं, लेना तो है अपन को वैसे कभी ना कभी। सो अपने पास हैं $2340। तो अभी फटाफट क्या करता हूँ ना, मैं इसको निकालता हूँ, देयर वी गो। एंड मैंने यहाँ पे एक मॉड और इंस्टॉल किया जो कि है रियलिस्टिक कैब। अब मैं यहाँ पे से लीन कर सकता हूँ, आजू बाजू देख सकता हूँ। सो ये एक तरह का बस थोड़ा सा और रियलिज्म ऐड हो गया इसमें। सो या तो अभी चलते हैं अपन सीधा शॉप पे, एंड वहाँ से लेके आते हैं अपना वीट का पैक एंड साथ में जो अपना बेल ट्रेलर है, सॉरी नॉट बेल ट्रेलर, जो अपना मेन ट्रेलर है वो लेके, ठीक है, लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं शॉप पे एंड फटाफट से यार इसका कलर मैच होता तो कितना अच्छा लगता, नहीं बाकी अब ठीक है। सो जो मैंने मॉड इंस्टॉल किया है ना, उसके लिए बहुत काम आएगा, लाइक अलाइन करने के लिए, बिकॉज जैसे आपको पता है मैं टच यूज़ कर रहा हूँ। सो आई कैन जस्ट डू दिस एंड परफेक्ट। ओके सो सिंपल अपन क्या कर सकते हैं, तो ये तो बहुत भारी है, इसको मैं ढक्का भी नहीं मार सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना कि पहले तो थोड़ा आगे ले लेते हैं एंड होपफुली जस्ट सेकेंड इफ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। यप देवी गो, ये क्या खाली हो रहा है? अरे ये तो मैंने गलती से सीड्स ले लिए यार। ओहो अब मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, जस्ट अ सेकेंड, दैट्स परफेक्ट। सो बेसिकली इन लोग की हेल्प लेकर मैंने जो अपना सीड था एंड जो अपना लिक्विड फर्टिलाइजर था वो सब भरवा दिया इसमें, साथ में जो सीड है वो भी आ गए हैं। आई मीन सॉरी मैं इसको सीड बोल दिया, बट दिस इज़ वीट। ओके ये अपना चिकन फीड है, जब चलते हैं एंड होपफुली जो ट्रैक्टर इतना पावरफुल इनफ है इसको खींचने के लिए, जो कि लग तो रहा है, बाकी आगे देखेंगे कच्चे रोड पे। सो इफ यू डोंट नो, जो ये फॉरेस्ट एरिया है वो भी अपना ही है। इफ़ यू वांट टू वी कैन मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दिस, लाइक हम लोग थोड़ा फॉरेस्टिंग करने के लिए जा सकते हैं, बट आईड रादर नॉट, बिकॉज मुझे लाइक कौन ही काटेगा यार, ऐसे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बढ़िया है ना, छोटा सा माउंटेन है उसमें पेड़ लगे हुए हैं, कौन ही काटेगा। सो आई डोंट थिंक सो मैं ऐसा फॉरेस्ट वगैरह कुछ करने वाला हूँ, बट या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग देखना चाहते हो देन आई वुड डेफिनेटली डू डैट। सो फिलहाल तो उसको यहीं पर रखा रहने देते हैं एंड सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, चिकन्स बाय कर लेते हैं। सो एज आई सेड हम लोग कुछ ये बाय कर लेंगे, लेट्स सी कितने ले लेते हैं, अराउंड $50 ठीक रहेगा। तो इसमें अपने को 25 चिकन्स आ रहे हैं एंड एक काम करते हैं, दो तीन ये भी ले लेते हैं यार, ये हम ज़्यादा ले लेंगे, लाइक चार पांच ले लेंगे, पांच मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, देवी को एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लोग यहीं पे घूम रहे होंगे, यप देवी को। अरे भाई 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 भाई, तो ये लोग तो यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, वेल होपफुली मेरे गाड़ी के नीचे ना आ जाए ट्रैक्टर वगैरह के, वैसे तो नहीं आने चाहिए बट आई विल स्टिल टेक केयर, ट्राई करूँगा। चलो जो भी अभी इनको डालते हैं फीड
ये लोग नीचे आ रहे हैं मेरे, बट नहीं आएंगे, डोंट वरी। देयर वी गो। तो जो फूड डाल दिया मैंने, कितना फूड लेंगे यार, कितना फूड लेंगे ये लोग। 5000 लीटर मैंने डाल दिया इसमें, फिर भी लोग को भी और लग रहा है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से तो कुछ दिनों के लिए काफ़ी रहेगा। तो ये तो हो गया, एंड इनको फूड को ज़्यादा लग रहा है, मुझे लगा इतने में काफ़ी हो जाएगा, बट नहीं यार। चलो ठीक है, एटलीस्ट इन लोग को बड़े होने के लिए इतना फूड मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। जब अपने पास पैसे और आएंगे तो अपन और ख़रीद लेंगे, कोई इशू नहीं है, या फिर अपन खुद ही ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, जो अपना ये है फर्टिलाइजर टैंक, उसको डालते हैं सामने, जो कि हमेशा का अपना स्पेस है। एंड यार ये लोग ऐसे खुले में घूम रहे हैं ना, तो मुझे एंग्जाइटी सी हो रही है, बट ठीक है, देखते हैं। एंड टकराना नहीं मेरे भाई, टकराना नहीं, महंगा है भाई, महंगा है। ओके, देयर वी गो। एंड अब ट्राई करता हूँ उसे उतारने का यहाँ से। नॉट दैट बैड, इतना भी कुछ बुरा नहीं था। सो इसे ज़रा खिसका के यहाँ इसे सेट कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ वहाँ ले जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं कहीं सब काम हो जाए। एंड रही बात अपने सीड्स की, तो वो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इनको इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, टोटली ऑन मी। एंड फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, उसको ट्रेलर में रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेलर की ज़रूरत नहीं ना अपने को भी। सो ट्रेलर में रहेंगे तो ठीक रहेगा। फिर बाद में क्या करूँगा, मैं एक बकेट ले लूँगा, साथ में फ्रंट लोडर, एंड आई बिलीव जो मेरा छोटा ट्रैक्टर है उसमें फ्रंट लोडर का ऑप्शन है, सो अपना काम हो जाएगा। देयर वी गो। ओके, तो फिलहाल तो अपने पास करने के लिए कुछ है नहीं, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन चेक फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो कि आपको यहाँ मिल जाएंगे, लाइक कल्टीवेट करने के आपको $670 मिलेंगे, जो कि ठीक है यार। एंड $670 इज़ नॉट अ बैड डील। फील्ड नंबर 33 एक बार देख लेते हैं हम लोग, फील्ड नंबर 33 कौन सी है। सो फील्ड नंबर 33 जो कि है ये वाली, जो कि ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लेते हैं। अपने पास कल्टीवेटर तो है ही, जो कि ब्रोनी है, ऑब्वियसली ब्रोनी मतलब वही होममेड कल्टीवेटर। अपने पास ट्रैक्टर है, उसमें फ्यूल है, सो अपन फी बचा सकते हैं, जो कि पड़ेगी अपन को, कहाँ गया कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि पड़ेगी अपन को $74 की, वो अपन फी बचा सकते हैं। सो या लेट्स डू दिस। एंड ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, जो कि अपने पास प्लेंटी ऑफ फ्यूल है, सो व्हाई नॉट। वैसे ये कल्टीवेटिंग सीजन है, मेरे को पता नहीं था यार, एक सेकेंड, मुझे ज़रा ना इसे ठीक से अलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ना नखरे करता है लगने में। देयर वी गो, परफेक्ट, परफेक्ट, ओके ठीक है, लेट्स गो। सो इसे करते हैं पहले अपन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड अब चलते हैं फील्ड नंबर 33 पर, जो कि ये है, सामने ग्लो कर रही है। क्या ये गियर चेंज करता है यार, देयर वी गो, दिस इज द फील्ड नंबर 33। इसे कल्टीवेट करना है, जो कि अभी थोड़ा सा स्लोप में है, वरना दिक्कत हो जाती। चलो ठीक है, विल ट्राई एनीवेज। बाकी जो ट्रैक्टर है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट वी शुड बी गुड। सामने एक ब्यूटीफुल लेक, इसके बीच में है कुछ तो, एंड क्या पहाड़ है यार, क्या फील्ड है यार, ये तो ऊबड़ खाबड़ जगह पे ट्रैक्टर में स्ट्रगल कर रहा है फालतू में यहाँ पे। चल जॉब तो करना ही है, सो फटाफट से अपन ये निपटा लेते हैं। एंड अब लोग एक अच्छा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो अच्छे से म्यूजिक के साथ, मैं मिलता हूँ ये होने के बाद। Cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up.
देयर वी गो, जो अपना काम था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड लेट मी जस्ट कलेक्ट माय कैश, देयर वी गो, $670 कंप्लीटेड, परफेक्ट। अब चलते हैं वापस अपने फार्म पे, बट टू बी ऑनेस्ट $670 के लिए ये काम बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। इतनी उबड़ खाबड़ फील्ड है भाई, तो ट्रैक्टर में जान नहीं है, ऊपर से या क्या ऊपर उबड़ खाबड़ सी फील्ड ले रखी है। एनीवेज जो भी हो, सपना ये काम हो चुका है, एंड आई मेक श्योर कि फील्ड नंबर 33 ये काम मैं वापस ना करूँ। बट मैं परेशान हो गया, सच्ची बोल रहा हूँ, कौन हॉर्न मार रहा है यार, अरे यार, अरे भाई एक मिनट रुक जा रहा, बस मैं ले ही रहा हूँ राइट, फिर चले जाना जाना है। सच में मुझे एक अच्छे ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रुक जाओ भाई ज़रा मेरे को राइट दे दो। ओके, एंड मुझे डीजल भरवाना था यार, बट अभी ठीक है, कोई बात नहीं, डीजल भरवा लेंगे अगले एपिसोड में। बाकी आज का जो हमारा काम था वो हो चुका है, एंड अपने जो चिकन्स, ये क्या हुआ भाई, इसको बैठी है, ओके, बाकी जो अपने चिकन्स वगैरह वो घूम रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, कोई कोलिजन नहीं है इसमें, वरना दिक्कत हो जाती। डकलिंग्स भी घूम रहे, अच्छे लग रहे हैं। बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।